गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो पहली क्लास में हमने ये समझा संरक्षण से अभिप्राय है कि हमें पौधों और जंतुओं को सुरक्षित रखना है, उनका शिकार नहीं करना। तो आज हमने पिछली क्लास में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य इनके बारे में बात की थी कि राष्ट्रीय उद्यान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है और यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। इसी के साथ हमने बात की थी, आज की क्लास में हम देखते हैं हमारे ये टॉपिक हैं। पहला टॉपिक हम इसमें देखेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, दूसरा हम बात करेंगे रेड डाटा पुस्तक, तीसरा हम देखेंगे पारितंत्र, फिर हम पढ़ेंगे कागज पुनः चक्रण, लास्ट है पुनर्वन रोपण। आज की क्लास में हम ये 5 टॉपिक देखेंगे। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो इसमें बच्चों आप देखिए प्रजाति यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की स्पीशीज या जातियों के बारे में यहाँ बात हो रही है। विशेष क्षेत्रीय यानी एक क्षेत्र विशेष में विशेष प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। पेड़ पौधों की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आम, जंगली आम है, वहाँ की क्या है, ये विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, ये हो गई एक वनस्पति। अगर हम बात करें भारतीय विशाल गिलहरी और उड़न गिलहरी, तो ये यहाँ की क्या होंगी, प्राणी जात हैं जो कि उस क्षेत्र की क्या है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि राजस्थान की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति की बात करें तो जैसे यहाँ पाया जाता है सूफोग है, ये क्या है, एक विशेष क्षेत्रीय पादप प्रजाति है। तो इस प्रकार जो एक विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जातियाँ मिलती हैं वह क्या कहलाता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। फिर हम बात करते हैं रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक यानी आप जैसे बुक्स देखते हैं उसी तरह की, यानी बुक्स की तरह ही से कंसीडर है, इसमें भी रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें बच्चों क्या है कि संकटापन, कौन से संकटापन, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब आप संकटापन, आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ऐसे प्रजातियां, ऐसे जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से लगातार कम हो रही है, क्या कहलाती है, संकटापन प्रजातियां। अगर हमने उनका संरक्षण नहीं किया तो धीरे धीरे ये प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। विलुप्त से अभिप्राय कि उन प्रजातियों के वर्तमान में कोई भी जीवित जीव नहीं पाया जाता, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो इस प्रकार रेड डाटा पुस्तक की डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी उनकी संख्या कितनी है, कहाँ पाई जा रही है, कौन से अभयारण्य में है, राष्ट्रीय उद्यान में है, उनकी कितनी कितनी संख्या है, उनको कितना संरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, पेड़ पौधों के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होती है और जीवों के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। हमने जैसे बात की थी वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात किससे संबंधित होता है कि विज्ञान की या ये ऐसी शाखा जिसमें केवल क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है, वनस्पति जात, और जीव जंतुओं से संबंधित है तो क्या कहलाता है, प्राणी जात। तो ये यहाँ हमारे 2 परिभाषाएं हुई। तीसरा हमारे पास है पारितंत्र। पारितंत्र से अभिप्राय है, पारिस्थितिकी भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, इकोसिस्टम भी इसे कहा जाता है। पारितंत्र में क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं हमारे चारों ओर पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु तो कौन से घटक होते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक। क्या होते हैं ये, पर्यावरण के जैविक घटक। और हम देखते हैं वातावरण में जल,
वायु, ताप, ऊष्मा, अग्नि, ये कैसे घटक होते हैं? अजैविक घटक। अब हम देखते हैं पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक तंत्र स्थापित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होगा कि जैविक घटक प्लस अजैविक घटक दोनों का सामंजस्य या पारस्परिक संबंध, दोनों का पारस्परिक संबंध क्या कहलाएगा? पारितंत्र। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? जैविक घटक में सभी पेड़ पौधे जीव जंतु, और अजैविक घटक में अजैविक जैसे कि जल है, अग्नि है, वायु है, ताप है, प्रकाश, ऊष्मा, ये कौन से घटक होते हैं? अजैविक घटक। तो हमारा पर्यावरण है कैसे बनता है? आप तो कहते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है, जिसमें सारी गैसेज हैं, ताप, प्रकाश, ये। लेकिन इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जैविक यानी पेड़ पौधे जीव जंतु और अजैविक घटक का आपसी पारस्परिक संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र। नेक्स्ट है हमारा कागज़ पुनः चक्रण। अब आप सोचेंगे कि हम लेसन तो पढ़ रहे हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का संरक्षण, तो इसमें कागज़ पुनः चक्रण टॉपिक कैसे आया? तो आप देखिए बच्चों, हमारे पास जो पेपर कॉपी कागज़ है हमारा, ये कागज़ भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों या वृक्षों से प्राप्त होते हैं। तो एक टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो आप बताइए कागज़ पुनः चक्रण हमारे इस लेसन से संबंधित हुआ या नहीं हुआ? तो बच्चों, एक टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो यहाँ पुनः चक्रण से अभिप्राय है कि हमें हमारे कागज़ को बहुत ही सावधानी पूर्वक जागरूक रहकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें कागज़ कॉपी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक दो लाइन लिखी और कागज़ को फाड़ कर हम फेंक देते हैं, हमारी कॉपी में पेज खाली रह जाते हैं और हम नई कॉपी के लेने के लिए क्या करते हैं? कॉपी को बड़ी स्पीड से भरते हैं, उसमें खाली खाली जगह भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। और वृक्ष हैं, वृक्षों के लाभ आप सभी जानते ही हैं कि वृक्षों से हमें सबसे पहले ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करवाते हैं। इसी के साथ हमारा भोजन संबंधित सारा कार्य, यानी भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। और हमारी वर्षा लाने में सहायक है, मृदा प्रदन को कम करते हैं और हमें हर तरह के मतलब कि सजावटी वस्तुएँ, छाया, इस प्रकार सभी दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ हैं हमारी पेड़ पौधों से ही पूरित होती हैं। तो हम जो पढ़ाई करते हैं, और अब आपको ये जब लेसन पढ़ाया गया है, आपके सिलेबस में टॉपिक क्यों आया है कि आपको भी पढ़ते लिखते समय ये बात अब बिल्कुल समझनी चाहिए कि हमें हमारी कॉपी के कागज़ को वेस्टेज या बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो हमें हमारी एक ही पेज को, अगर हम रबड़ पेंसिल से कार्य करते हैं तो हम एक पेज को बार बार मतलब इरेज करके उसे दोबारा भी उपयोग में ले सकते हैं। इसीलिए आपको पूरी तरह से सचेत रहते हुए अपनी पाठ्य पुस्तिकाओं यानी उत्तर पुस्तिकाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्वनरोपण। आप देखिए इसमें पुनर् का मतलब क्या है कि दोबारा, या वन रोपना। हमने हमारी आवश्यकताओं के लिए हमने पेड़ पौधे काटे, अब इतनी गंभीर स्थिति आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है तो हमें पेड़ पौधे काटने भी पड़ते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितने पेड़ हम काटें, कम से कम जितने काटें उतनी तो संख्या में नए पौधे हम लगाएं, ताकि वो आने वाले 5-10 सालों में क्या है, वृक्ष बन जाएं। और वैसे तो क्या है, हमें नियम तो ये बनाना चाहिए कि अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए। लेकिन अगर आप 2 नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जितने पेड़ आप काटें, यानी एक 5 पेड़ काट रहे हैं तो हमें 5 नए
पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें हमारे पर्यावरण के प्रति सचेत जागरूक रहना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को हमें लगाना चाहिए और लगे हुए पेड़ पौधों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। अपने व्यर्थ के स्वार्थ के लिए कभी भी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो 8th क्लास के बच्चों, अब आप समझदार बन चुके हैं, 8वीं क्लास में आ चुके हैं, तो ये लेसन इसीलिए आपके सिलेबस में आया है कि आपको भी जागरूक सचेत होना है और अपने आसपास के पर्यावरण या वातावरण को क्या करना है, सुरक्षित और संरक्षित करना है और प्रदूषण से भी मुक्त करना है। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे हमारा पर्यावरण भी उतना ही क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी। पेड़ पौधों के अभाव में हमारे पर्यावरण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। इसी से हम देखते हैं, हमने लास्ट दहन और ज्वाला, कोयला और पेट्रोलियम लेसन में देखा था कि पेड़ पौधों को काट देने से अधिक वाहनों के प्रयोग से, उद्योगों के प्रयोग से हानिकारक गैसें वातावरण में मुक्त होती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इससे क्या उत्पन्न होती है, कौन सी स्थिति आ जाती है, वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण वातावरण में जो हम देखते हैं हिमनद या ग्लेशियर हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी और हमारे पृथ्वी का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, यानी तटीय इलाके हैं वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये सभी लेसन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने आज हमारे 7 लेसन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ये 7 लेसन अपनी फिर नोटबुक में नोट कीजिए। आपको मैंने इन नोट लेसन्स के नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप नोट्स की हेल्प से पाठ्यपुस्तक में दिए हुए क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। जब आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे, अपनी बुक आपके पास होगी, जब बुक से और मेरे दिए हुए नोट्स आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे और समझ लेंगे, उसके बाद आप ये पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को परेशानी होगी तो जब हमारी विद्यालय में मुलाकात होगी, आपकी हर समस्या का समाधान हम बिल्कुल 100% करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण। तो बच्चों, आपसे मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी त्यौहार है, आपका जन्मदिन है, कोई भी उत्सव आप मनाते हैं, उस दौरान भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य है, संस्कार है, तो आप उस दौरान भी सभी अपने अपने स्तर पर अब जागरूक बनकर ये निर्णय कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर और ज़्यादा कहीं भी व्यय करने के बजाय, केक अपने दोस्तों को बुलाने ये सारा कार्य करने के बजाय, अगर आप अपने हर जन्मदिन पर 2 पौधे लगाएं, तो धीरे धीरे आने वाले 5-10 साल बाद वृक्ष बनेंगे और जब आपके लगाए हुए पौधे बहुत बड़े होते हैं, उन पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं या आपको छाया मिलती है, तो आपको भी बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलेगा और इससे हमारे पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और हमारा पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। और अब आप सोचेंगे अकेले मेरे करने से क्या होगा, मेरा नहीं है बच्चों, अब आप मेरी क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे आप 8th से 9th में जाएंगे, 9th से 10th में जाएंगे, आप अगर ऐसे पढ़ाई के दौरान की एक एक बात अगर आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो इससे आपको अपना सामाजिक जीवन जीने में भी आसानी रहेगी। और अगर आप ऐसा कार्य करेंगे और अपने घर में भी ये बातें, मतलब अपने परिवार में भी ये बातें शेयर करें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम प्रदूषण करें, वाहनों का कम से कम उपयोग करें, तो ये हमारी पढ़ाई का एक बहुत ही प्लस पॉइंट हमें मिलेगा। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवाश्म ईंधन, जैसे हमने कोयला और पेट्रोलियम की बात की थी, उनका हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जो, अगर ये कोयला और पेट्रोलियम ऐसे संसाधन हैं जो निकट भविष्य में
अगर हमने इनका अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया तो ये निकट भविष्य में ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो हमें पूरा विवेक से जागरूक सचेत पूर्ण हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संसाधन का उपयोग करना चाहिए। तो आज की क्लास से हमने क्या सीखा कि हमें हमारे कागज़ को कभी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। आपकी जो पुरानी बुक्स कॉपियाँ होती हैं आप उनमें भी नोट कर सकते हैं, यानी उन कागज़ को भी आपको काम में लेना चाहिए। और अगर हम पेंसिल से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे इरेज करके हम उसी पेज को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी रफ़ कार्य आप पेंसिल से करें, उसे आप इरेज करें, फिर उसी पेज पर दो बार कार्य कर सकते हैं, यानी एक पेज को आप कम से कम 3 या 4 बार यूज़ में ले सकते हैं। और इतना भी ध्यान रखें आप कि हमारी जो कॉपी का कागज़ है, यानी 1 टन कागज़ जो बनता है उसमें कितने वृक्षों को काटा जाता है, 17 बड़े वृक्षों को काटा जाता है। और हमने क्या सीखा कि हमें हमारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का, चाहे उनकी कोई भी प्रजाति है, चाहे वो संकटापन है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो आज ये हमारा 7वां चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।